तुम्हारी याद में हमने ये हस्ती मिटाई है। कर लो दो बात मोहब्बत से, मेरी तो यही दवाई है। हुआ मन में उदासी का ये मंजर क्या बताऊं मैं। तन्हाई में मुझे तेरी तो बस याद आई है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पूनम सिंह में। मैं हूं आपका दोस्त साहब सिंह। आज हम बात करेंगे, यानी संधि टॉपिक हमारा चल रहा है और संधि में हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं हम, यानी व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं, यानी व्यंजन संधि में क्या होता है, वो मैं पहले आपको बता दिया हूँ कि व्यंजनों के मेल को क्या होता है इसमें, यानी व्यंजन प्लस व्यंजन, यानी व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है। और यानी दूसरा एक स्वर प्लस व्यंजन, यानी एक व्यंजन और एक व्यंजन भी हो सकता है और एक स्वर और एक व्यंजन भी हो सकता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक व्यंजन या एक स्वर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका बात करते हैं हम नियम नंबर एक। नियम नंबर एक, अब नियम नंबर एक क्या है कि यानी वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का यानी तीसरा अक्षर कौन सा, हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी तृतीय अक्षर किस में बदल जाता है, वर्ग के प्रथम अक्षर में बदल जाता है। वर्ग का तृतीय अक्षर किस में बदल जाता है, यानी वर्ग के प्रथम अक्षर में बदल जाता है, यानी वर्ग का जो तृतीय वर्ण है, यानी तृतीय अक्षर है, वो किस में बदल जाता है, यानी प्रथम अक्षर में बदल जाता है। अब कैसे बदलता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे प्रथम अक्षर होता है क वर्ग, च वर्ग, फिर होता है आपका तब क च ट, यानी ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर पा वर्ग, यानी पांच वर्ग होते हैं आपके। ठीक है, क च ट त, कितने वर्ग होते हैं, पांच वर्ग होते हैं। ठीक है, तो वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वो बदल के आता है, यानी तृतीय अक्षर होता है वो किस में बदल जाता है, प्रथम वर्ण में बदल जाता है। जैसे अब ये बदलेगा तो किस में बदलेगा, क ख और ये गा में बदल जाएगा, च छ और ये जा में बदल जाएगा। ठीक है, और ट ट ठ और ये डा में बदल जाएगा, और ये त थ द ये दा में बदल जाएगा, प फ और म प फ ब, यानी ये बदल जाएगा आपका, ये बा में बदल जाएगा। ठीक है, तो किस में बदल रहा है, ये वर्ग का जो तृतीय अक्षर है, ये सॉरी ये वाला वर्ग का जो तृतीय अक्षर है वो इसमें बदल जाएगा, यानी प्रथम अक्षर में। ठीक है, किस में बदल जाएगा, ये इधर बदल जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, यानी जो तीसरा अक्षर है वो पहले अक्षर में बदल जाएगा, तीसरा वाला पहले में, ये तीसरा वाला पहले में, ये तीसरा वाला पहले में, और ये तीसरा वाला पहले में, और ये तीसरा वाला पहले में। ठीक है साथियों, तो यानी हम कह सकते हैं व्यंजन संधि में कि व्यंजन संधि
व्यंजन प्लस व्यंजन से बनती है और स्वर प्लस व्यंजन से बनती है। और इसका नियम जो है वो पहला ये है कि वर्ग का तृतीय अक्षर वर्ग के प्रथम अक्षर में बदल जाता है। जैसे ये गा है तो ये प्रथम अक्षर का में बदल जाएगा, ये जा है तो ये प्रथम अक्षर चा में बदल जाएगा, ये डा है तो ये प्रथम अक्षर टा में बदल जाएगा, ये दा है तो ये प्रथम अक्षर ता में बदल जाएगा, और ये बा है तो प्रथम अक्षर पा में बदल जाएगा। ठीक है, तो कैसे बदलेगा अब हम बात करते हैं। ठीक है, यानी दिगंबर क्या है हमारा, दिगंबर। ठीक है, तो ये कौन सा अक्षर है, तीसरा है, कौन सा है, ये तीसरा है। तो अब तीसरा किस में बदलेगा, ये हो जाएगा पहले में बदलेगा, दिक प्लस यानी अंबर। ठीक है, किस में बदलेगा, दिक प्लस अंबर। अब दूसरा देखेंगे दिग्गज, क्या देखेंगे हम, दिग्गज। अब दिग्गज में क्या है, ये जो जो वर्ड है, ये वाला जो वर्ड है ये बदलेगा आपका पहले अक्षर में, यानी दिक प्लस गज, किस में बदलेगा, दिक प्लस गज। और तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा है आपका दिग्विजय, तीसरा है आपका दिग्विजय। अब दिग्विजय में क्या होगा, जो ये गा है ये तीसरा वर्ड है और ये किस में बदल जाएगा, पहले में, यानी दिक प्लस विजय, किस में बदल जाएगा, दिक प्लस यानी विजय। ठीक है साथियों, अब है चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या है आपका, यानी आजादी, क्या है, आजादी। तो ये हो जाएगा आपका अच प्लस आदि, यानी ये जो जा है ये किस में बदलेगा, पहले वर्ण में, किस में बदलेगा, पहले वर्ण में, तो क्या हो जाएगा, अच प्लस आदि। अब बात करते हैं हम पांचवें की, यानी सद्गुण, क्या है, बात करते हैं हम सद्गुण। अब सद्गुण में क्या है कि ये दा है, ठीक है, तो इसका पहला अक्षर क्या आएगा, त थ द, यानी ता आएगा, सत प्लस गुण, यानी क्या हो जाएगा, ये सत प्लस गुण। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं आपको, यानी एक और एग्जांपल लेते हैं, बागीस, क्या लेते हैं हम, बागीस, तो ये हो जाएगा बाक प्लस ईस। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या है कि हमने जो इसका नियम का सार जो है वो यही है कि वर्ग का जो तृतीय अक्षर होगा वो वर्ग के प्रथम अक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, अब नियम नंबर दूसरे की बात करते हैं हम, नियम नंबर दूसरे की बात करेंगे। अब दूसरे में क्या है वो देख लेते हैं, नियम नंबर दूसरा, दूसरे में है वर्ग के पंचमें अक्षर को हम यानी प्रथमा अक्षर में बदल देंगे, वर्ग के पंचमें अक्षर को, यानी वर्ग के जो पांचवा अक्षर होगा, पांचवा अक्षर किस में बदल जाएगा वो, यानी प्रथमा अक्षर में बदल जाएगा। अक्षर में बदल जाएगा, ठीक है, यानी वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो किस में बदल जाएगा, वर्ग के प्रथमा अक्षर में बदल जाएगा। जैसे यानी ये जो पांचवा वर्ड है वर्ग का, क और ये अंगा, च और ये या, क च ट, ट का है ये अड़ा, और त का है ये त थ द ध न, और प फ ब भ म, यानी ये म है। तो जब पांचवा जो वर्ड होगा
बरक का कौन सा वर्ड होगा जो पांचवा वर्ड होगा वो किस में बदल जाएगा, यानी ये चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, ये पहले वर्ड में, पहले वर्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे चेंज होगा ये मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल देके। यानी ये है सन्मुख, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये है पांचवा वर्ड है, ये रा, इसका ये पांचवा वर्ड है, इसमें किस में बदलेगा, ये पहले वर्ड में बदलेगा। तो कैसे बदलेगा, यानी सट प्लस मुख, कैसे बदलेगा, सट प्लस मुख। अब बात करते हैं उन्मत्त। ठीक है, उन्मत्त ये है ना, ये कौन सा है पांचवा वर्ड। अब पांचवा वर्ड किस में बदलेगा, यानी पहले वर्ड में बदल जाएगा। तो ना किस में बदलेगा, ता में बदल जाएगा। तो उत प्लस मत, ठीक है, उत प्लस मत। अब बात करते हैं हम जगन्नाथ की, यानी जगन्नाथ। अब ये जो ना है ये पांचवा वर्ड है, कौन सा है दोस्तों, पांचवा। अब पांचवा किस में बदलेगा, ता में बदलेगा। तो जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। अब बात करते हैं हम तन्मय, किसकी बात करेंगे हम, तन्मय। तो ये ना है ये बदल जाएगा ता में, ठीक है, तो हो जाएगा तत् प्लस मय, क्या हो जाएगा साथियों, तत् प्लस मय। ठीक है, तो यानी नियम नंबर दूसरा यही है कि बरक का पांचवा अक्षर और प्रथमा अक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको समझ लिया है। एक नोट और लिखेंगे हम यहाँ पे, यानी एक नोट लिखेंगे हम, नोट में है कि जहाँ भी द्विज व्यंजन आए, जहाँ भी द्विज व्यंजन, यानी द्विज व्यंजन आए, वहाँ क्या होगा, वहाँ व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, वहाँ क्या होगा साथियों, व्यंजन संधि होगी। द्विज व्यंजन क्या होता है, एक जैसे दो वर्ड लगातार, एक जैसे, जैसे द्विज व्यंजन है ये, तो द्विज व्यंजन क्या है, यानी एक जैसे दो व्यंजन लगातार आए, जैसे कि सच्चाई, ठीक है, हम लिखते हैं, और निर्लज्जता। ठीक है, यानी ऐसे शब्द हों जिसमें द्विज व्यंजन हो, क्या हो इसमें, द्विज व्यंजन हो, तो द्विज व्यंजन में क्या होता है आपका, व्यंजन संधि होती है। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा है। बेशक यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमें ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।